नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार। आज मैं आपका द संडे पोस्ट से, हमारे साथ है आपका नाम ब्रिज मोहन जी। केजरीवाल से जो अभी सरकार मौजूदा है, आप उससे संतुष्ट है? हाँ जी, बड़े खुश है। आप खुश है? आप कुछ उपलब्धियाँ उनके बारे में बताएंगे? उपलब्धियाँ क्या, वो उनकी उपलब्धियाँ सारी उपलब्धियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद ये और बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि इससे आगे कुर्सी पे ये पहुँचे, हमें और बहुत खुशी होगी। मतलब इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने उतना काम नहीं किया था? हमें 60 साल हो गए देखते हुए, किसी सरकार ने पब्लिक का ध्यान नहीं रखा। किसी के हक में कोई वोट नहीं, इन्होंने काम नहीं किया, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। दिल्ली से बाहर पैसा बांट रहे ये मोदी सरकार, बार बार दिल्ली वालों को पूछ नहीं रही क्यों, इसकी वजह कौन बताएगा? दिल्ली वालों का कौन ध्यान रखेगा? लोगों को गांव-गांव में जाके 3-3 लाख रुपया दे रहे दिल्ली वाले, क्या बेकार बंदे हैं? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगाएंगे कि मोदी जी आपके ऊपर काम नहीं करते? मतलब हम बात कर रहे हैं विधायक की, मतलब यहाँ के जो इलेक्शन होता है विधायक की दिल्ली का, ठीक है विधायक है, लेकिन इन चीजों से हमें बहुत गुस्सा है इन पे, मोदी पे, कि ये दिल्ली पे क्यों नहीं पब्लिक पे ध्यान देते? वोट लेने तो आ जाते ये पर से, मतलब वोट लेने के टाइम हर कोई आता है, बाकी टाइम कोई आपके पास सड़क तो इनसे टूटी हुई बनती नहीं है, है? मैंने को 20 साल हो गए देखते हुए सड़कें टूटी पड़ी हैं, कभी हम मैं जाता भी हूँ बोलता भी हूँ तब भी नहीं करते, मतलब अभी मतलब बीजेपी, आप सीधा सीधा आरोप कह देंगे जी ये उनके अंडर में, ये उनके अंडर में, बट अंडर इस टाइम जो यहाँ पे राज कर रहा वही करेगा। मतलब आप बोलना चाहते हो कि बीजेपी कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करने नहीं देती है? हाँ, काम नहीं करने देती, उनको अधिकार नहीं देती, उनकी मर्जी से उनको काम नहीं करने देती, उनके रुकावटें डालती है दूसरी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मतलब केंद्र मतलब इसको दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आपके हिसाब से देना चाहिए और उसके फायदे बिल्कुल देना चाहिए ना, इनके दिल्ली के नागरिक जितने हैं इनको सबको अधिकार और हक मिलना चाहिए दिल्ली वालों को, कि ताकि वो भी खुश हों कि हम दिल्ली के नागरिक हैं। मतलब आप इसके पहले भी सरकार, आपने आपकी उम्र क्या होगी बाबूजी? मेरी 60 से ऊपर है। 60 के ऊपर आपने मतलब पूरा बचपन से आप ना, इस सरकार ने जो केजरीवाल ने किया ना, इससे पहले किसी सरकार ने पब्लिक को कोई चीज खुश नहीं फ्री की। आज इन्होंने पानी फ्री है, बिजली फ्री है, है और सुविधा इतनी केजरीवाल ने दी है, सड़कें ठीक कर दी हैं यहाँ की पूरे इलाके की, और क्या चाहिए, पब्लिक बहुत खुश है जाकी। इसके पहले भी बीजेपी ने मतलब हमेशा ये कर दी, बहुत गलत है, सिर्फ कह के कुछ करती नहीं है, सिर्फ जैसा देती है। मतलब आप ये आप सीधा सीधा ये करते हो कि आप इसके पहले जो सरकारें थी या अभी केंद्र में है जो मोदी जी की गवर्नमेंट, वो काम बिल्कुल नहीं करती, आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, करती नहीं है। और ये आने वाले टाइम में हमें पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल आगे बहुत अच्छा चलेगा और बहुत ज़्यादा काम करेगा, लोगों को खुश रखेगा। और उनके जैसे वादे थे, जैसे शिक्षा का उनका मेन मुद्दा था, उस बारे में इतने बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल ने, स्कूलों में सुधार किया, डिस्पेंसरियाँ बनवाई, वो ये तो बहुत ही बेनिफिट काम किया, डिस्पेंसरियाँ बनवा के पब्लिक के हित में, पब्लिक बड़ी खुश है डिस्पेंसरियों से, इन्होंने जगह जगह इलाके में डिस्पेंसरी बनाई, इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या पब्लिक बड़ी खुश है। अब एक बीजेपी प्राइवेट नर्सिंग होमों में पैसा बच रहा है, जैसे बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि कुछ है, जैसे आरोप भी लगाती है, करती कुछ नहीं है ना, को किसी को पब्लिक का फायदा करती है। मतलब उनका आरोप आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ अपना एक नाम करती है, वो नाम ही करती है वो, ये भाई हमें 60 साल हो गए, ये बीजेपी वाले शुरू से देश का लूटते आए हैं, ये सब्जियां तक तो महंगी करा देते हैं, मतलब ये क्या अपना उसके ऊपर हम कुछ रख पाएंगे? मतलब झूठा दिलासा देती रहती है। आपका नाम बाबूजी? ललित कुमार। आप मतलब दिल्ली के भी वोटर हैं? हाँ जी, दिल्ली के ही वोटर है। आप मतलब दिल्ली केजरीवाल के 5 साल बीत गए हैं, आप उनसे कितने संतुष्ट हैं, उनके कितने कार्य से आप सहमत हैं? काफ़ी सहमत हूँ जी। आपको उनसे कुछ जितने उन्होंने दिए, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्री किया है और बहुत कुछ उन्होंने हॉस्पिटल में या रोड पर बहुत कुछ जैसे फ्री किया है, आपको उसको कुछ बेनिफिट मिला है आपको अभी तक? मिला है जी। जैसे कि आप कुछ बताएंगे? जैसे अपने डिस्पेंसरी खुल गई है, स्कूल के अच्छे काम हो गए हैं। इसी के साथ हम अगले कुछ वीडियोस के साथ और मिलेंगे। मैं हूँ राहुल कुमार, धन्यवाद।